गुड मॉर्निंग है ये गोपेश्वर से। और जैसे कि हमने आपको प्लान बताया था कहाँ जाएंगे हम, नीति पर आज जा रहे हैं हम। हमारी नीति चेंज हो गई, प्लान में थोड़ा चेंज, क्योंकि इस सीरीज का नाम क्या है, सफर बिन मंजिल। तो हमारी मंजिल का ठिकाना फिर बदल गया। आज हम जा रहे हैं ओली। वहाँ से कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो हमारे को नहीं पता, पर आपसे पूछ लेते कितना जी सारे वधिया अपा बहुत बढ़िया जी। चलो जी ओली लेके चलते हैं आपको। ओली होली होली चलेंगे ओली 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 ओली। और कोल्ड स्टार्ट किया कि नहीं तूने? तूने किया वही सही है। अच्छा जब भी कोल्ड होता है तभी स्टार्ट करने का कोल्ड स्टार्ट। अच्छा और गर्मी में क्या करने का? हॉट स्टार्ट। पहला ब्रेक पीपल कोठी। और सुना है पीपल कोठी का पकोड़े बड़े फेमस है। बढ़िया बनाओगे ना फिर? देखो जी पकोड़े बन रहे हैं आज शानदार से। गोली रेडी। खाना क्या है? खाना क्या है? पकोड़े। हाँ ठीक है, आधा किलो खा जाएंगे हम, पांच किलो। अरे और खाओगे आप? अरे सात चाय। हमें डिसलेक्सी है। पाँच दो ऐसा 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 डुबाने का दूसरे वाले में ऐसा। अरे रुको ना। अरे क्या? अरे वो अलग करता है, हम अलग करते हैं। पहुंच गए हम, और ओली पहुंच के हमारे को जो फील हो रहा है ना वो अलग लेवल का फील है। मतलब नर पर्वत है। कौन सा नर पर्वत है? क्या हमने अभी ऐप डाउनलोड कर लिए? ऐप का नाम है पीक फाइंडर। 500 रुपए लगे हैं, वन टाइम था। पहले मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर लिया था, पर इसने कर रखी थी। और उसके बाद हमारे को क्या क्या दिख रहा है, पहले आप पीक देख लो। ये दिख रही है जी हमारे को नंदा देवी, और ऊपर ऊपर का वो, अभी भी मौसम खराब है, समझ रहे। ये जो है ना पीछे, ये माणा पीक। मतलब पता नहीं आप लोग एक्साइटेड हो गए या नहीं हो गए, जो लोग पहाड़ देख के फैसिनेट हो जाते हैं मतलब उनके लिए वो नाम भी जान लेंगे तो और ज्यादा। प्लस ऊपर से हमारे पास ये फाइंड, ये जो ऐप है ना, इससे तो और ऐसा मजा आ रहा है, गेम खेल रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कि वो पता लगाते हैं, वो ऐसे देख रहे हो। अरे वो 7000 मीटर है, वो 3000 मीटर है। उस तरफ का पूरा मौसम बंद है, वरना वहां तो दिख रही है इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक नंदा देवी। मतलब हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, बट कंचनजंगा वी शेयर विद चाइना, बट ये हमारे पास पूरी है नंदा देवी। पर कोई जाता मात्र 24,000 फीट अबव सी लेवल। अच्छा अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से शायद 7,800 मीटर्स अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके और क्लियर दिखेगा हमारे को, तब आएगा मजा। ऊपर है क्या ऊपर? आप तो का पहले तो आर्टिफिशियल लेक है। अच्छा। फिर उसके बाद वैली है, गुलशन वैली। अच्छा। वहाँ जाते हैं लोग घूमने के लिए। ओके ओके। कितना ऊपर है ये? बाकी वहाँ स्नो वगैरह भी मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी चेयर कार का 500 है, ये लिखा है रिटर्न है, आना जाना। अच्छा बाकी वहाँ से घोड़े से जाओगे, घोड़ा 850। चलो फिर गोरसन, चलो गोरसन चलते जी। गोरसन देखो हमने पहले सोचा था इस पे जाएंगे, पर बाद में प्लान चेंज हो गया कि 800 मीटर के लिए 500 रुपये देना ज़्यादा है। वैसे भी हम 6-7 लोग हैं, 4-5 हज़ार रुपया लग जूगा वीरे, तो हम उसे खर्चा बचाने के लिए ये पंगा ले रहे हैं। यहाँ से 800 मीटर तक ये जाती है तो हम नहीं जा रहे। पर यहाँ पर थोड़ा सीन है क्योंकि हम 10,000 फीट पे हैं, तो ये हालत ख़राब कर सकता है। थोड़ा सा आगे एक्लेमेटाइज हो जाना, उसके बाद चढ़ना। तो कितना जाना अपने को? कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलो अब हमारे साथ। पहुंचते हम पहुंच गए जी एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर, और यहाँ पर हमारे को सारा व्यू दिख रहा है। अभी तक मौसम खुला हुआ है इसलिए अच्छा लग रहा है।
और हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ लंच वंच कर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो ओली है, मतलब खूबसूरत तो लग रहा है यार, पहली बार आया हूँ। आपको एक कहानी नहीं सुनाई, एक टाइम था जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक बुक खरीदी थी, उसमें सबसे ऊपर ऊपर नाम लिखा था ओली। और ये टाइम होएगा कुछ 10-12 साल पहले की बात है, तब मैंने सोचा था ओली जाऊंगा, आज पहली बार ओली पहुंचा हूं, तब से सोचा हुआ आज पहुंचा हूं। और आज जब आया हूं तो समझ में आ रहा है कि ये क्या जगह है, क्योंकि तब पता लगा था कि सबसे पहले बर्फ यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर ये होता है वो होता है। मतलब बर्फ़ उस टाइम पे, आप सोचो ना लाइफ में 10-12 साल पीछे चला जाओ तो बर्फ़ कितनी एक्साइटेड करती होगी। अब तो चलो कभी चादर पे मिल रही है, कभी हर की धुन पे मिल रही है, पर उस टाइम पे जब सोचता था तो ऐसा लगता था यार बर्फ़ देखनी है यार, क्योंकि राजस्थान का लांडे को बर्फ़ एक्साइटमेंट तो आएगी यार, तो वही सोचता होता था। और आज ओली पहुँचा हूँ तो वो वाली बुक याद आ गई कि उसके ऊपर ऊपर सबसे पहले नाम लिखा होता था ओली। आज यहाँ पर खड़े हैं जी, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कभी ना कभी वो चीज़ें जो याद रह जाती हैं ना, वो कभी ना कभी पूरी ज़रूर होती हैं, इसलिए वो देखते रहना चाहिए जी, चाहे वो सपने हो चाहे मैनिफेस्ट करना हो चीज़ों को, करते रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ये आर्मी एरिया है। हमारे लड़के थोड़े क्रेजी हो गए हैं। तो सीन क्या हुआ, पहले हमने सोचा कि ऊपर जाएंगे, पर ऊपर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैं और जय अगर हो सका तो दोबारा ओली आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे तब हम दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर रात होगी तो जंगल में गड़बड़ हो सकती है। तो हमारे पास फिर एक्साइटमेंट में बहुत सारे प्लान बन गए हैं। यहाँ पर हमारा महान प्लेयर, ओए हमारी गेम के बीच में आने का नहीं, ये देखो हमारा अक्षय कुमार। ये मैदान से बाहर चली गई ये बोल बोल को लाते हो यहाँ पर लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर आगे का प्लान क्या होएगा, फिर आपको पहाड़ी दिखाएंगे। अरे यार क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार, हम थोड़ा मेन्यू पकड़ के ऑर्डर देते हैं, एक दाल तड़का और क्या है आपके पास, हम ऑर्डर करते हैं। जब तक हमने खाना वाना खाया तब तक यहाँ का मौसम बदल चुका है जी, फुल ऐसी हवाएं चल रही हैं और खतरनाक हवाएं, मतलब ठंड सारी तरफ, मौसम वापस से बंद हो गया है। और खाना खाने के बाद हम पहुंचे जी जो यहाँ का आर्टिफिशियल लेक है, ये बनाया जी खूबसूरत सा, बस ये नहीं पता। अरे बाप रे, अरे 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 इतनी तेज हवाएं, कुछ इनकी हालत देखो, बाल बाल देखो कितनी तेज हवा है, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है। देखो देखो ये लेक क्यों बनाई है, कुछ समझ में आया? टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट स्पॉट। ये अभी एक आदमी बोल रहा था कि पानी सेव करने के लिए पानी सेव कर सकते हो, क्या पता यहाँ पर जरूरत पड़ जाए। ठंड तेरी पड़ी, ठंड बहुत है अभी रे, ढक लवा दे अपनों, ज्यादा ढक नहीं सकते हम अपने आप को। आर्टिफिशियल लेक आके देखोगे, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, पर शायद वो बोल रहे थे कि कोई गाइड वाइड होएगा तभी जाने देते, क्योंकि शायद थोड़े टाइम पहले अभी कुछ लोग गए थे बिना गाइड के, पर अंधेरा हो गया वो वहाँ पर फंस गए, फिर उसके बाद स्नो पड़ने लगी वो वहीं अटक गए, और 15 दिन के बाद उनको निकाला गया जिंदा नहीं। तो इसलिए हमने ये वाला प्लान कैंसिल किया कि ऊपर जाने का, क्योंकि ये जिस तरीके से मौसम बदला है कांड हो सकता है। तो हमने सोचा कि यहीं पर रहते हैं, यहीं पर थोड़ा चिल करते हैं। पहले सोचा था कि सनसेट देखेंगे, अभी देखते हैं मौसम तो क्या रंग दिखाता है, पर स्वाद आ रहा है जी। ये एक लाश है हमारे पास, ये दूसरी लाश, यहाँ पे एक रोग फैला था और सब फिर बेहोश हो गए, सिर्फ मैं अकेला बच गया। सितारों का तेरे सूरज लगे, मजबूरी में हमारे को जाना पड़ रहा है। प्लान यही था कि सनसेट देख के जाएं, पर हुआ क्या है कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और हमारे साथ दो इंसान हैं जो एक्टिवा पे आए हुए हैं, बाकी हम गाड़ी पर आए हैं, तो हमको सबका सोचना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास यहाँ पर ज़रूर होता है। हाँ जी, बाकी जगह हो ना हो। हाँ जी तो यही है बस, अब हम नीचे जा रहे हैं। बड़ा ही प्लान तो ऐसा था कि करके जाएंगे और फिर उसके बाद रुकेंगे, गोल्ड सोना सब देखेंगे, बट प्लान कुछ भी हो सकता है, मतलब बाद में दोबारा भी ओली आया जा सकता है, प्लान कुछ भी हो जा सकता है, और ना हम अपनी जबान को ताला चाबी फेंक देंगे, पर अगर आप बोलोगे तो चाबी उठा के ताला खोल देंगे, ओली में रुक जाएंगे। गुणाकार किया, भागाकार किया, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि अब हम जा रहे हैं। और अगर आप ये जो 500 रुपये लगा के आओगे इन लोगों की तरह ऐसे उड़ते उड़ते आओगे, और या फिर हमारी तरह ऐसे रुड़ते रुड़ते जाओगे। 800 मीटर ये कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब पहले हमारे को लगा था कि नहीं,
पर दोनों चीज का फील है, उसका भी फील कर सकते हो, इस चीज का भी फील कर सकते हो। पर हम आए पहाड़ों में तो पहाड़ के मजे तो लेने बनते हैं। और क्या, तो हम थोड़ी बॉल ही नहीं लगा के चल रहे। हम तो ठीक है, हम ठीक है। एक की पीठ भी टूटी है फिर भी आया आया। ओके, समटाइम बारिश में बीच में अच्छा होता है, समझ रहे हो? जिधर गर्मी पड़ रही है वो लोग समझ रहे हो, बारिश में भीगना अच्छा होता है। और चाय ब्रेक लिया, चाय पियेंगे फिर जाएंगे। वापिस आ गए हम आपके पास, है ना, चाय पिलाओगे? ये लड़के हमारे रेनकोट निकाल रहे हैं जो बाइक पर जाने वाले हैं। चलो चलो चलो, क्या शक्ल तेरी क्या हो रखी है? खूबसूरत सी हो रखी है। अच्छा, हम तो अभी भी खूबसूरत है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है आपको? हैं, मेरी मम्मी से मैं जब भी फोन करूंगा मेरी मम्मी बोलेगी खूबसूरत लग रहा है। चलो 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 चलो, गोपेश्वर गोपेश्वर गोपेश्वर। फाइनली जी, घूमते घूमते हम अपनी खूबसूरत सी दुनिया में पहुंच गए हैं, गोपेश्वर। और यहाँ पर पहुंच के एक अलग सुकून है, पता नहीं क्या है वो, हम खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर सुकून तो है। ये मंदिर की बात देखते ही ऐसे सुकून फील हो जाता है हमारे को। असली ज़िंदगी है जी, असली ज़िंदगी। कभी मौका मिला तो ऐसे एक टाइम के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कोई खूबसूरत सा काम दिख जाता। सब सामान वामान लेके आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करें, थक गए जी। सो के उठे, बहुत ही अच्छा लगा, रिलैक्स हुए। पर हमारे साथ एक स्यापा हो गया। स्यापा ये नहीं होगी मौसम खराब हो गया, ठंड होगी, बारिश होगी, ओले पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर बारिश हुई तो जो होटल है उसमें बिजली आना जाना थोड़ा सा ऐसे स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो लैपटॉप का चार्जर था वो खराब हो गया। अब आगे ब्लॉग कैसे आएंगे, क्या होगा, वो सुबह समझेंगे, क्योंकि आज काफ़ी टायर्ड हो गया था दिन। सो के भी उठे तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ का बस माहौल है, जो गोपेश्वर की वादियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम खो जाते हैं। पर सिचुएशन थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होगी। अच्छी बात ये है कि जय के पास भी सेम लैपटॉप है, इसलिए अभी उससे चार्ज कर रहे हैं। तो अभी खाना खा लिया, सो जाएंगे, बस यही है। बाकी कैसे सिचुएशन हैंडल होगी वो आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे, क्या होगा कैसे होगा। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, तुझे अपना ख्याल रखो, सी अपना ख्याल रखो।